ऊना जिला के रायपुर सहौड़ा से लापता हुए नरेश उर्फ सुमित की मौत के बाद भड़के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर एक बार फिर शव को बीच सड़क पर रखकर चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे पर महतपुर में चक्का जाम किया और लोगों ने पुलिस व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान मृतक के शव को सड़क पर रखा गया और लोगों ने मामले पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर अपना गुबार निकाला। यातायात ठप होने से लोगों को परेशानी भी हुई। फिलहाल पुलिस ने ऊना और अंजोली से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है, जिस कारण महतपुर में ज्यादा गाड़ियों का जमावड़ा नहीं लग पाया। मामले की गंभीरता देखते हुए महतपुर को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है, लेकिन डीएसपी और एसडीएम के अलावा कोई आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिस कारण लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता गया। चक्का जाम से पहले प्रदर्शनकारियों ने बसधेड़ा में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर मामले की सीबीआई जांच और आरोपियों की धरपकड़ की मांग की। जाम लगने को लेकर पुलिस व प्रदर्शनकारियों में काफी देर तक गहमागहमी भी रही। आपको बता दें कि नरेश उर्फ सुमित रायपुर सहौड़ा निवासी 24 तारीख को रायपुर से बंगाणा अपने मामा के घर से निकला। वहां पहुंचने के बाद करीब 6 बजे बंगाणा से वापस अपने घर के लिए रवाना हुआ, लेकिन आज तक अपने घर नहीं पहुंचा। ये सुमित के छोटे भाई निखिल ने बताते हुए कहा कि जब बंगाणा से वापस घर के लिए लौटा तो करीब 7 बजे उसकी बात सुमित से हुई थी और सुमित ने कहा था कि भारी बारिश के चलते अपने दोस्त के घर ऊना रुक गया है और सुबह ही घर पहुंचेगा, और उसके बाद उसका फोन 7:15 तक चलता रहा, उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। 25 तारीख सुबह जब वह घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। 25 तारीख को जब उसके द्वारा फोन नहीं उठाया गया तो बार बार उसे फोन किया गया। फोन किसी औरत ने उठाया और वह बोली कि वह कोटला कलां से बोल रही है। जब घर वाले उस औरत के पास पहुंचे तो उसने कहा कि यह फोन यहाँ गिरा था। वहीं कुछ दूरी पर सुमित का मोटरसाइकिल और चप्पलें भी पड़ी हुई थी। आसपास काफी देर तक उसकी तलाश की गई लेकिन वह नहीं मिला। बाद में घर वालों ने पुलिस को सूचित किया। इस पर बंगाणा और कोटला कला में पुलिस ने पूछताछ की लेकिन अभी तक सुमित का सुराग नहीं मिला था और उसके बाद उसका शव कोटला गांव में ही जंगल में मिला, जिसकी हमने एफआईआर करवाई थी वहां पे और कोई उचित संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। उसमें कुछ सस्पेक्टेड पर्संस हैं जिनको शक के आधार पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा कोई उचित कार्रवाई करते हुए ऐसा कोई हमें रिजल्ट नहीं दिया है। आज इस विषय को लेकर हम यहाँ पे चक्का जाम कर रहे हैं। हमने पहले भी प्रशासन को चेताया था कि हम चक्का जाम करेंगे, लेकिन हमारी मांगे हैं कि हम पुलिस की किसी भी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। हाँ, और जिनको हमने सस्पेक्टेड पर्सन कहा है और उनकी जो है गिरफ्तारी हमें चाहिए ताकि हमें एक उचित न्याय मिल सके। पुलिस की इंक्वायरी पे भी हमें क्वेश्चंस हैं और जो है सीबीआई की जो है जांच यहाँ पे गठित की जानी चाहिए। हमारी सबसे मेन मांग यही है कि ये जो केस है वो सीबीआई को सौंपा जाए। हमें पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 24 तारीख से गुम हुआ था सुमित, वहीं उसकी चप्पल मिली, वहीं उसका मोबाइल मिला, उसी गांव में उसका मोटरसाइकिल मिला और 19 दिन के बाद वहां पर उसकी डेड बॉडी मिली। जहां पर यह सामान मिला उसके जस्ट 400 मीटर के दूरी पे उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला। हमारी शुरू से यही मांग थी पुलिस से कि वो गांव में जाके सख्ती से कार्रवाई करे, पर आज दिन तक उन्होंने इवन लाश भी मिल गई पर उन्होंने जो हमने नाम दिए थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और हमारी सबसे मेन मांग यही है कि जो जिन लोगों के नाम परिवार वालों ने दिए हैं सबसे पहले उनका इमीडिएटली गिरफ्तारी हो। और दूसरी सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि अब हमें पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं रहा है और इसकी जो मांग है हम सीबीआई से मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि जो ये इंक्वायरी है वो सीबीआई करे। अभी मेरे साथ इनका विषय मैंने वहां भी बोला है, जो गांव के लोगों के मन के अंदर आक्रोश है वो बिल्कुल सही है। उसके ऊपर जो भी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने हमें बोला है उसमें हम उनकी मदद करेंगे। सीबीआई के बारे में भी उन्होंने लिख के दिया है, मुख्यमंत्री जी के पास ये ध्यान में लाई जाएगी बात और इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। सर, ऊना पुलिस पर दबाव में काम करने का जो है वो आरोप लगाया जा रहा है, अगर कोई ऐसा होगा तो देखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं।